हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर किड्स कंपटीशन चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों से रिलेटेड। वो क्या है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। एज ए पेरेंट मेरा भी कंसर्न है, आपका भी कंसर्न होगा कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं हम, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस कम है। तो आज मैं आपको दूंगी कुछ छोटे छोटे आसान टिप्स, जिसके लिए हमें कुछ और नहीं करना है, बस अपनी रेगुलर लाइफ में, रेगुलर रूटीन में थोड़ा सा चेंज लाना है और उसे अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद, आज हम स्टार्ट करेंगे कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा जाए। सबसे पहली चीज है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें। अगर कोई भी बच्चा किसी भी चीज में इंटरेस्ट है उसका और वो उसे करना चाहता है, तो हमें उसे रोकना नहीं है। और बहुत ज्यादा प्रेशर, अगर हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ करो बेटा, तो हमें इतना भी प्रेशर नहीं डालना है बच्चे पे कि वो परेशान हो जाए कि मम्मा पापा मुझे बार बार टोक रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसमें उसको रुचि है, वो काम वो बिना झिझक के करे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें। दूसरी चीज है कि हम बच्चों ने अगर कोई भी अच्छा काम करा है, लाइक अगर उसने उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग कर रहा है, तो अगर उसने कुछ गलत भी बनाया है तो हम उसे अप्रिशिएट करना सीखे। छोटी छोटी बातें ये जो हम बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे तो वो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें उन्हें मोटिवेट करना है, दूसरा हमें क्या करना है, उनके छोटे छोटे कामों पे हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है। और फिर तीसरा क्या है, हमें उन्हें ये आजादी देनी चाहिए, ये परमिशन देनी चाहिए कि वो अपनी छोटी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखें। अगर हम उनकी हर प्रॉब्लम में इंटरफेयर करेंगे, हम कहेंगे कि बेटा हम ये कर दें आपके लिए, तो बच्चों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो हमें उन्हें ये फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो हमसे जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछें। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा सवालों के उनके जवाब दे सकें वो हमें देने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और उनकी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा कम होगी और वो कहीं भी आसानी से किसी दूसरे इंसान को भी फेस कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो हर चीज़ का हमें सही जवाब दें और वो बड़ों की तरह हमारे साथ बिहेव करें, बिकॉज है तो वो बच्चे ही। जब बच्चे हैं तो हमें उन्हें ये फ्रीडम देनी चाहिए कि वो बच्चों की तरह बिहेव करें। तो हमें उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो बड़ों की तरह हमारे साथ या बाहर जाकर बिहेव करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें उन्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें उनकी कमियों को नहीं निकालना चाहिए। एक कमी निकालना क्या होता है, हम बच्चे में डिस्करेज कर रहे हैं बच्चे को, उसकी कमी को हम उसको बता रहे हैं। तो अगर हम उसको बार बार उसकी कमियां बताएंगे तो वो क्रिटिसाइज होगा। तो हमें बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है कि वो और चीजें सीखे। हमें उनकी कमियां नहीं बतानी है, उन्हें मोटिवेट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे हम बड़े हैं, हम भी बड़े कई बार में गलतियां करते हैं और गलतियों से सीखते हैं, वैसे ही वो तो छोटे बच्चे हैं। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमें उसको फ्रीडम देनी चाहिए, उसे आज़ादी देनी चाहिए, ना कि उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाना चाहिए, अरे बेटा ये गलती हो गई अब कैसे क्या होगा। तो हमें अपनी चिंता उनको नहीं दिखानी चाहिए, ना ही ओवर प्रोटेक्टिव होना चाहिए। हमें उन्हें ये सिखाना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करना। बस इतना सा बताने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हमने उसे बोल दिया कि बेटा आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब आगे कैसे होगा, तो बच्चे का मोटिवेशन लेवल वहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है
यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करनी है रेगुलर लाइफ में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें रोज के काम में बच्चे को एक नया चैलेंज देना चाहिए। अगर हम रोज एक नया टास्क देंगे, एक चैलेंज देंगे बच्चे में, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो सीखेगा कि कोई भी नया काम मुझे दिया गया है तो मैं उसे कैसे तरीके से करूं और प्रॉपरली करूं। सो दिस पॉइंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, हमें बच्चे को रोज नया टास्क या फिर चैलेंज देना है। अब हर माँ बाप या हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए हीरो होता है, क्योंकि जो फर्स्ट फेस बच्चा देखता है वो अपने पेरेंट्स का होता है। तो हमारे पास जो नॉलेज है वो हमें बच्चों को देनी चाहिए। तो दिस इज द वे कि हम उन्हें सिखा भी सकते हैं और उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करें। अब हमें बच्चों को केवल टीवी और मोबाइल की परमिशन नहीं देनी चाहिए, उन्हें बाहर ले जाना चाहिए जिससे कि वो दूसरे लोगों से मिले। बिकॉज जितना ज़्यादा वो लोगों से मिलेंगे उतना उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मुझ में ये कॉन्फिडेंस है कि मैं बाहर जाके दूसरे से बात कर सकता हूँ। तो दिस इज द वेरी गुड वे कि हमें बच्चों को केवल इंटरनेट या मोबाइल या फिर टीवी नहीं देखने देना चाहिए, हमें उन्हें बाहर ले जाके कोई भी एक्टिविटी करवानी चाहिए या उन्हें दूसरे लोगों से मिलवाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर उन्होंने कोई भी छोटा सा काम करा है और उन्हें उसमें सक्सेस मिली है तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चा ध्यान रखे, हम बच्चा क्या ध्यान रखेगा, हमें बच्चे के साथ ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। सो आई सपोज, मैं आशा करती हूँ ये छोटी छोटी बातें आप अपने बच्चों के साथ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए, तो यू कैन लीव योर कमेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.kidscompetition.in। थैंक यू।